सभी महापुरुषों को नमन। मूल निवासी महानायक और हमारे क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के संरक्षक पवन मिश्राम साहब, हमारे मुख्य मार्गदर्शक विलास खरासर, मंचासीन अतिथि और आप सभी लोग जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, सभी को नमन। जय छाद्रम, जय मूल निवासी, जय भवानी, नमो बुद्धाय। साथियों, अब महापुरुष जो भी हुए मूल निवासी समाज में ही हुए हैं, क्योंकि मैंने एक बार विलास खरासर का सुना था कि ब्राह्मणों में तो कोई क्रांतिकारी आज तक पैदा नहीं हुआ, तो महापुरुष कैसे पैदा हो सकते हैं। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं महाराजा जयचंद, जिन्हें हमारे दुश्मन गद्दार कहते हैं, उन्हीं का वंशज हूं, और उनको जिन्होंने दीक्षा दी थी, उनके गुरु थे वो बुद्धिस्ट बंते जी थे। और आज जो काशी कॉरिडोर है, राम मंदिर में जो शिलालेख मिले हैं, वो उन्हीं महाराजा जयचंद जी के मिले हैं। तो साथियों, क्षत्रियों का धर्म, उनके पूर्वजों को अपमानित करने वाले, उनके पूर्वजों का हत्या करने वालों का और क्षत्रियों का धर्म एक नहीं हो सकता। अभी ज्यादातर लोगों में यही गलत फहमी है कि क्षत्रिय हिंदू है। अगर क्षत्रिय हिंदू होते तो महाराजा जयचंद, मान सिंह आमेर या प्रवीण चंद्र भंजदेव हत्याकांड, सुखदेव सिंह घोगामेड़ी हत्याकांड वो लोग नहीं करते। जो गौतम बुद्ध के विचारों को मानते थे, ठाकुर सामंत, जिसके व्यवहार में समानता दिखे, समता दिखे, उन लोगों को अपमानित नहीं करते वो। अभी नया ट्रेंड चल रहा है, महाराणा प्रताप को हिंदू बनाया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू बनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे हकीम खान पठान, मुसलमान थे, और महाराणा प्रताप के जो पूर्वज थे बप्पा रावल, उस समय से ही वहां उन्होंने जो मुसलमान थे पठान, उन्होंने वहां लाके बसाया था। महाराणा प्रताप ने मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, और उनके जो प्रमुख चित्रकार थे वो भी मुसलमान थे। अभी जितने भी आप राजस्थान में देखोगे, किसी भी राजा महाराजा ने या छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कभी नहीं लिखा मैं इस धर्म को मानता हूँ, सभी धर्मों का वो आदर करते थे। तो ये दो गौतम बुद्ध के विचारों का पालन करने वाले लोग थे। दूसरा, जो आप लोग विरासत बचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है आपने, तो साथियों, जिसकी व्यवस्था होती है उसी के न्याय मिलता है। तो इसके लिए जो बाम सेब ने व्यवस्था परिवर्तन, अगर आपको आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, चाहे धार्मिक सत्ता हो, जब तक आपका शासन नहीं होगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को, अगर बलिदान देने से ही हमें न्याय मिलता है तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जितने ही लोग बैठे हैं, गौतम बुद्ध ने 5 लोगों से शुरू किया था, उन्होंने सफलता पूरे वर्ल्ड में फैला दिया अपने विचारों को। अगर आप लोग तो बहुत ज्यादा हो, आप लोग अगर सोच लो, अपना समय भी देना शुरू कर दो, क्योंकि लोगों को जागृत करने से हमें सफलता मिलेगी। और वामन मिश्राम साहब ने जो शुरू किया है कारवां हम व्यवस्था परिवर्तन का, और वो लक्ष्य जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और ये जो लोग हैं इसी प्रकार हत्याएं करते रहेंगे, और चिल्लाने से काम नहीं होगा। बलिदान देने की भी जरूरत नहीं है, आपको पसीना बहाना है और अपने समय का यूज करते हमारे लोगों को जगाना है, जो आपस में गलत फहमियां हैं उनको दूर करना है। जय छात्रम, जय मूल निवासी, धन्यवाद। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना।